अतिक भाई, आज 5 अगस्त विधायक जितेंद्र अवार का जन्मदिन। इस जन्मदिन के मौके पर शहर भर में लाखों रुपए के होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें से कई होर्डिंग गिरे भी। कई ऑफिस पे अनगिनत कार्यक्रम हो रहे हैं, रास्ता भी ब्लॉक किया गया है, आधा रोड जाम करके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे एक मेडिकल कैंप आपने लगाया है, इसके अंदर क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं और क्या क्या सुविधा है, क्या जानकारी देंगे? हाँ, ये मेडिकल कैंप जो है, ये इसमें काफी सारे डॉक्टर्स अटैच है। जैसे मयूरेश हॉस्पिटल जो है वाशी का, वो अटैच है, जो योजना के अंडर में सारा कुछ, मतलब वो बाईपास सर्जरी, कैंसर का सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी वगैरह, ये सब फ्री रहेगा। और भी बहुत सारे उसके अंदर ये है, जो योजना में बैठते हैं वो सब हम लोग यहाँ से पूरा अरेंज करके देंगे, फ्री रहेगा, मतलब टोटल फ्री रहेगा। हाँ जी, कमर नर्सिंग होम है, तो डॉक्टर कमर आरा बहुत अच्छे वेल नोन जो है, मुंबई के गायनोकोलॉजिस्ट है। लेडीज का जो भी इश्यूज रहता है वो सब चेकअप वगैरह कर रहे हैं, उसको जो भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए वो सब मिल रहा है यहाँ से। और डेंटिस्ट का जो है वो देखा जाता है कि बहुत सारा, मतलब डेंटिस्ट का जो इलाज होता है उसमें काफी सारा पैसा लगता है, तो वो फ्री ट्रीटमेंट उसके अंदर, और ये फ्री एक्सरे ये यहाँ से हम लोग आज के दिन में दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ आधार कार्ड से रिलेटेड भी काम हो रहा है? आधार कार्ड का जो भी, उसमें बिलो 18 का नया आधार कार्ड बनना है, वो सारा कुछ हो रहा है। और जो बाकी अपडेट्स होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक फैमिली के अंदर अगर 5-6 लोग है तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते, क्योंकि 350-400 रुपया जो है बाहर आधार कार्ड वाले प्राइवेट ले लेते हैं, तो वो यहाँ पे हम उनको पूरी तरीके से फ्री करके दे रहे हैं। लगभग 1:30 बज रहे हैं अतिक भाई, और काफी तादाद में यहाँ पे जनता देखी जा सकती है। अभी तक कितने लोग इस चीज का फायदा उठा चुके हैं और ये कितने बजे तक चले? अभी तक जो टोटल पब्लिक आई हुई है वो 200 के ऊपर लोग है, और ये दोपहर के बाद में जो है वो और पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें आधार कार्ड वाले भी है, मेडिकल वाले भी है, बाकी दूसरे डेंटिस्ट के लिए है, और बहुत जल्दी हम लोग इसमें इंशाल्लाह राशन कार्ड का कैंप भी लगाएंगे। जैसे आज शमीम भाई के ऑफिस पे है राशन कार्ड का, इसके वजह से अपने यहाँ पे नहीं लग पाया, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे भी लग जाएगा। नजीर भाई, आप भी इस कैंप का हिस्सा है, अतीक भाई के साथ आप भी जुड़े हैं, क्या जानकारी देंगे? जानकारी तो इतनी, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र अवार्ड साहब को तमाम जनता की तरफ से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरपरस्ती करते हैं वो सरपरस्ती हमेशा करते रहें। मेरे एहतमाम आज ऐसे मौसम देखा जा रहा है जैसे कि मानो पूरे मुमरा में ईद होगी, या ईद होगी या जतरा होगी, हर घर में अवार्ड साहब की जन्मदिन की खुशियाँ को मनाया जा रहा है, जिसका जाहिर है अगर आप अपने आंखों से देखते हैं तो यहाँ पर आप जो भीड़ लगी देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी को पता है कि आज अवार्ड साहब का बर्थडे है, और कहीं ना कहीं हमको अच्छी अच्छी तरीके की सहूलतें दस्तियाब की जाएगी। हम लोग सुबह से यहाँ पर इस कैंप में लगे गए हैं, और इतनी रश जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, जितनी रश हम लोग अवार्ड साहब के बर्थडे के मौके पर देखते हैं। और अतीक भाई भी ऐसे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से होर्डिंग लगाते हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, ताकि आवाम में ये बेदारी फैले कि हमें कहीं ना कहीं सहूलियात का फायदा उठाना है। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो टाइम बचा है, यहाँ की आसपास की आवाम से क्या अपील करना? आवाम से हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि अगर हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे तमाम तकलीफों को, हमारे सारी तकलीफों को, सारे दुख को, अपना दुख और अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी समझकर जो वक्तन फोक्तन सुलझाता आता है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और अवार्ड साहब उम्रा में हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसले मसाइल पर मौजूद रहते हैं, तो ऐसे MLA हमें कहाँ मिलेंगे जो वक्त वक्त पर हमारे बीच आकर हमारी तमाम तकलीफ और परेशानी को दूर करेंगे। तो मैं जवाम से यही उम्मीद करता हूं और यही अपील करता हूं कि जो आने वाले MLA साहब के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और MLA अवार्ड साहब को जिताने की पुरजोर कोशिश करते हैं। अनिस भाई, आपको भी इस मेडिकल कैंप में देखा गया है, पहले तो ये बताइए क्या आपने भी NCP जो शरद पवार गुट है उसको ज्वाइन कर लिया है? सर, ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, महाविकास आघाड़ी है, हम लोग सब एक ही है। अच्छा, युति का फर्ज निभा रहे? युति का फर्ज निभा रहे हम आपके लिए, आप हमारे लिए, मिली जुली सरकार, समझे?
क्या कहेंगे आज अवार साहब का बर्थडे है, क्या कहेंगे? अवार साहब का बर्थडे हर साल आता है, इसी तरीके से हर साल जुलूस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि त्योहार में जैसे बारात हो गया और भी जैसे त्योहार आते हैं, ईद हो गया, दिवाली हो गया, उसी तरीके से एक उमरा शहर कलवास में ये त्योहार के जैसे मनाया जाता है, क्योंकि हर दिल अजीजों के दिल में अवार साहब बैठे, हर घर में अवार साहब, तो ये हर घर में समझो अवार साहब का बर्थडे मनाया जा रहा है, ये त्योहार हो गया। जैसे गाँव का जत्रा वो हिसाब से आज उमरा में अवार साहब का त्योहार है। आप बाहर जाके देखेंगे तो खाली होर्डिंग और अवार साहब के चाइने वाले रोड पे मिलेंगे। आज गाड़ियों की ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगी, आज पब्लिक खुद ट्रैफिक करके रोड पे, मतलब आज आप चाहते हैं कि अवार साहब का बर्थडे है तो ट्रैफिक जाम हो जाए ऐसा? पब्लिक जाम कर रहे, खुद खड़े रहे, इतने पब्लिक रोड पे उतर गए कि गाड़ी चलने के लिए रास्ता ही नहीं। आपसे अवार साहब से इतनी मोहब्बत है लोगों को कि लोग खुद उसको एक जश्न की तरह मनाते हैं। पब्लिक से क्या अपील, किसी को बोलते नहीं कैसा करो, आपकी मोहब्बत में सब लोग करते हैं ना भाई। मुमरा की आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मुमरा की आवाम ने हमसे अपील की है कि गलत लोगों को शहर में ना घुसने दिया जाए, जो अपने खुद के शहर में विकास नहीं कर सके आज तक। नहीं, आप जिनको गलत बोलो घुस चुके हैं शहर में, ये इसको घुसना नहीं बोलता। ऐसे तो रोज के मुसाफिर आते जाते हैं, ट्रेन में कितने लोग चढ़ते कितने लोग उतर जाते, इसको घुसना नहीं बोलते। मतलब आदमी फिक्स हो जाएगा उसको बोलते घुसना। जैसे आज हमारे अवार साहब यहाँ पहुंचे, तीसरी बार अभी आने वाले टाइम पे चौथी बार, इस हिसाब से किसी को यह चांस न दिया जाए, क्योंकि कहते हैं कि आधे घंटे की बारिश में देखा गया राबड़ी एक समुंदर के जैसे गने गम भर चुके थे। जो इंसान अपना वार्ड नहीं सुधार सके वो मुमरा को क्या सुधारेगा? मुमरा तो 3 किलोमीटर है, राबड़ी सिर्फ आधा किलोमीटर में बसा है, क्योंकि मैं राबड़ी की पैदाइश से मेरी, मैं खुद राबड़ी में रह के आया हूँ। तो जो आधा किलोमीटर नहीं सुधार सका वो 3 किलोमीटर के शहर को क्या सुधार पाएगा? तो ऐसे लोगों को ये पब्लिक ने हम लोगों से अपील की है कि सर ऐसे लोगों को शहर में ना घुसने दिया जाए जो शहर को बर्बाद करे। तो ये पब्लिक की अपील हमारे तरह, हम पब्लिक से अपील नहीं करेंगे। आज की जनरल सब होशियार है, आज लोग खुद समझदार है, उनको भाषण देने की जरूरत नहीं, वो खुद हमको आज भाषण देते कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।